आप देख रहे हैं 24 यस न्यूज पर उनके बार बार अनुरोध पर विपक्ष के नेताओं तक ने उनकी बात नहीं सुनी, वेल में आए, अपनी सीट से निकल के हर प्रकार का व्यवधान किया और यही नहीं, कई माननीय सदस्य तो प्लैकार्ड लेके, जिसके बारे में माननीय स्पीकर के समक्ष और माननीय चेयरमैन के समक्ष सर्वदलीय बैठक में यह तय हुआ था कि कोई भी पार्टी, चाहे सत्तारूढ़ पार्टी हो चाहे विपक्ष हो, कोई भी माननीय सदस्य कभी भी पार्टी लेके प्लैकार्ड लेके सदन की कार्यवाही को बिगाड़ेगा नहीं, सदन में इस प्रकार का व्यवहार नहीं करेगा। उसके बावजूद आज कई माननीय सदस्य प्लैकार्ड लेके दोनों हाउस, दोनों सदनों में आए। बार बार अनुरोध किया गया, माननीय सदस्यों को अपील करी गई कि वो अपने सीट पर बैठ के बोले, बार बार अपील किया गया कि प्लैकार्ड लेके ना आए। उसके बावजूद जिस प्रकार का व्यवहार रहा उसके चलते आज माननीय लोकसभा अध्यक्ष को 33 माननीय सांसदों को सस्पेंड करना पड़ा इस सेशन के आखिरी दिन तक, और राज्यसभा में माननीय 34 सांसदों को सस्पेंड करना पड़ा इस सेशन के आखिरी दिन तक, और 11 अन्य सांसदों को सस्पेंड करना पड़ा जब तक के उनका केस जो प्रिविलेज कमेटी को रेफर हुआ है प्लैकार्ड लेके आने के कारण, वेल में आने के कारण और व्यवधान करने के कारण, ये जो 11 मेंबर्स हैं उनका केस प्रिविलेज कमेटी को रेफर किया गया है। तो कुल मिला के 45 माननीय सदस्यों को राज्यसभा में आज सस्पेंड करने का बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण आज उनके व्यवहार के कारण ये स्थिति उपलब्ध हुई। मैं समझता हूँ ये उनकी प्री प्लान्ड स्ट्रैटेजी थी, वो चाहते ही नहीं थे कि हाउस अच्छी तरीके से चले। हाउस में जो बड़े इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशन थे, आज तो महिलाओं के आरक्षण का लेजिस्लेशन था लोकसभा में, जिससे जम्मू और कश्मीर और अन्य पौंडीचेरी में 33% हमारी माता बहनों को आरक्षण देने का बिल राज्यसभा में पारित होना था। ये साफ दर्शाता है कि जब भी कोई ओबीसी का बिल होता है, जब भी कोई पिछड़े समाज को उनका अधिकार देने का कोई काम होता है, जब भी महिलाओं का सम्मान, नारी शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार अच्छे कदम उठाती है, तो कांग्रेस को बड़ी पीड़ा होती है, कम्युनिस्टों को बड़ी पीड़ा होती है। वो नहीं चाहते हैं कि महिलाओं का सम्मान हो, वो नहीं चाहते हैं। हमारे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।